बढ़ता गया हरियाणा, कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए गंभीर आरोप भी कुमारी शैलजा की तरफ से लगाए गए हैं। तो शैलजा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार में महिलाओं का सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ है। बल्लभगढ़ के अम्बेडकर चौक पर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे को लेकर निकाली गई पदयात्रा में पहुंची शैलजा ने कहा, प्रियंका गांधी के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे का असर अब महिलाओं में दिखने लगा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहेगा और दो पड़ोसी राज्यों में कांग्रेस की जीत पक्की। तो मालूम है भारतीय जनता पार्टी के तौर तरीके भी सिर्फ दिखावे के लिए ये करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है इतना शायद पहले कभी नहीं हुआ। जो महिलाओं के सशक्तिकरण का नारा दिया है प्रियंका जी ने, उसके तहत 125 दिन हुए हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उस उपलक्ष्य में आज यहाँ पर महिलाएं सड़क पर उतर कर दिखा रही हैं कि महिलाओं में आत्मविश्वास की कमी नहीं है और अपने अधिकारों के लिए वो खड़ी हो सकती हैं, लड़ सकती हैं। हमें पूरा विश्वास है कि यूपी में कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन होगा और हमारे जो पड़ोस के दो राज्य हैं वहाँ के बारे में मैं कह सकती हूँ कि हमारी सरकार बनेगी।